हेलो एवरीबॉडी, द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, हेलन केलर। चैप्टर 15 शुरू करते हैं। द फ्रॉस्ट किंग की दुखद घटना के बाद आने वाली सर्दियां और गर्मियां हेलन ने अपनी फैमिली के साथ अलाबामा में गुजारी। वो बहुत खुश थी और फ्रॉस्ट किंग की बात को बिल्कुल भूल चुकी थी। पतझड़ यानी कि ऑटम की सीजन में उसने अपनी लाइफ के बारे में फ्रॉस्ट किंग की घटना के एक साल बाद लिखना शुरू किया, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी और लिखने में बहुत सावधानी बरतती थी, वरना वो लिखते लिखते रुक जाती थी और सोचने लगती थी कि वो किसी दूसरे के ऐसे विचारों को तो नहीं लिख रही जो उससे पहले पब्लिश हो चुके हैं, और फिर वो उस दिन कुछ नहीं लिखती थी। उसकी टीचर मिस सलिवन उसे भरोसा देती थी और लिखने के लिए इंस्पायर करती थी। उसी की सलाह पर वो यूथ कंपेनियन के लिए अपने जीवन के विषय में लिख रही थी। 1893 की मुख्य घटना जो हेलन के इस चैप्टर में बताया है, तो वो है प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के इनॉग्रेशन के बीच उसकी वॉशिंगटन की जर्नी, नाइग्रा फॉल्स और वर्ल्ड फेयर को देखने जाना। इन जर्नी में मिस सलीवन और डॉक्टर ग्रेहम बेल उसके साथ थे। वो कहती हैं कि उसके लिए उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल है जो उसके मन में वाटरफॉल के पास खड़े होने पर उसका शोर सुनने से उत्पन्न हो रही, जबकि कभी नाइग्रा फॉल अपनी जर्नी का वर्णन लोगों से करती तो वो उससे आश्चर्य से पूछते कि नाइग्रा फॉल की खूबसूरती का अर्थ उसके लिए क्या हो सकता है, जबकि ना तो वो उसे उसकी खूबसूरती देख सकती थी और ना ही उसकी लहरों का शोर सुन सकती है। वर्ल्ड फेयर में हेलन का परिचय वर्ल्ड के उन आश्चर्यों के साथ हुआ जिनके विषय में वो अब तक सिर्फ बुक्स में पढ़ती थी, और अब वो उनके रूबरू थी। उस फेयर ने उसको चाइल्डहुड के ड्रीमिली काल्पनिक परियों के देश से रियलिटी वर्ल्ड में ला खड़ा किया। यहाँ उसने शिव और गणेश की मूर्तियाँ, मिस्र के पिरामिड, इटली के लगून और मैक्सिको और कई दूसरे कंट्रीज की फेमस चीज़ों के विषय में इंफॉर्मेशन मिली। उसने हीरो की सफाई और कटाई की प्रोसेस को देखा और कोलंबस के द्वारा यूज़ किए गए शिप्स एट्सेट्रा उसका भी भ्रमण किया, वो भी वो घूमी। उसने विद्युत भवन का भ्रमण किया और वह रखे बहुत से प्रोडक्ट जैसे ग्रामोफोन, टेलीफोन एट्सेट्रा को देखा, और डॉक्टर ग्रेहाम बेल ने उन प्रोडक्ट के काम करने के तरीके के बारे में बताया, उसको डिटेल में बताया। इन सभी चीज़ों ने उसकी डिक्शनरी और नॉलेज में बहुत बढ़ोतरी की, और उसने एक्सपीरियंस किया कि वो रियलिटी वर्ल्ड में थी जो चाइल्डहुड में काल्पनिक संसार से बहुत अलग था, लेकिन हाँ वो कुछ कम भी नहीं था।